सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास श्योपुर की अधीक्षिका अंतिमा गुप्ता द्वारा बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका की ज्यादती से तंग आकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर के नाम SLR को ज्ञापन सौंपा, जहां छात्राओं की शिकायत के बाद श्योपुर SGM लोकेन्द्र सरन ने न केवल छात्रावास की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया बल्कि छात्रावास की छात्राओं से बातचीत भी की, जहां बातचीत के दौरान बाईपास रोड श्योपुर पर स्थित सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की छात्राओं ने बताया कि अधीक्षिका अंतिमा गुप्ता द्वारा बालिकाओं के साथ बिना वजह से अभद्रता करते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए 100-100 उठक पैठक लगवाई गई, जिसमें कई बालिकाएं घायल और बीमार हो गई और अधीक्षिका द्वारा छात्राओं को इलाज हेतु अस्पताल भी ले जाया गया व इस घटना के संबंध में किसी को भी न बताने हेतु छात्राओं को धमकाया गया। अधीक्षिका के इस अमानवीय कृत्य से प्रताड़ित छात्राएं छात्रावास छोड़ने हेतु मजबूर है। वहीं बताया कि हॉस्टल में खाना भी सही नहीं बनता है, खाने में इल्ली कीड़े निकलते हैं, मैडम को बोलने पर मैडम द्वारा हमें जाति सूचक शब्द बोलकर भी अपमानित किया जाता है। कहा जाता है कि तुम भिलाला पटेलिया जाटव और आदिवासी लोग इतने बेकार हो कि गांव में जाकर सिर्फ सरसों ही काटोगे और कुछ नहीं कर सकते। मैडम हमें कहती हैं कि आप घर पर नमक मिर्ची से रोटी खाती हैं और हॉस्टल में ज्यादा नखरे करती हो, यहाँ जैसा मिल रहा है वैसे ही खाना पड़ेगा, जो लड़की खाना फेंकेगी उसको मारूंगी। और सभी बच्चियों को मैडम द्वारा बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं बल्कि रोटी के टुकड़े तोड़ने आई हो, और तो और कभी कभी हॉस्टल की बच्चियों कोचिंग से 5 या 10 मिनट लेट हो जाती है तो मैडम द्वारा रसोई घर का गेट लगा दिया जाता है। बालिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास से आए, क्या हो गया पूरी बात बताओ। हम एक दिन खराटा करने नहीं गए तो 100-100 बैठक भी लगाए गए। क्या नहीं करने गए? खराटा क्या होता है? वो करने नहीं गए थे, 100-100 बैठक लगाई गई हमारे साथ। उस दिन नाश्ता भी नहीं, नाश्ता भी नहीं कराने दिए, नाश्ता मत करो ऐसे नाश्ता भी, और तीन तीन चार दिन तो रोटी भी ऐसे ऐसे बोले रोटी भी मत खाना, 3-4 दिन हो गए और रोज ही कीड़े निकलते थे। किसने बोला है आपसे ये चीज? किसने बोला? दीदी ने बोला। दीदी ने? क्या नाम है दीदी का? अंतिमा गुप्ता। अंतिमा गुप्ता ने ऐसे बोला है कि यह क्यों आया बेटा? सर हम तो शिकायत करने आए हैं। शिकायत करने है उसको? एक बोलो। सर हम तो यहाँ पर शिकायत करने आएंगे, हम तो इसको दीदी को हटाएंगे। अंतिमा गुप्ता दीदी को क्यों? क्योंकि सर हमको परेशान करती है। हम एक दिन कराटे करने नहीं गए तो हमको 100-100 बैठक लगवा गए। एक दिन हम टॉयलेट करने गए, वहाँ पर भी गिर गए थे हमने, और हमको हमने दीदी को बोला कि दीदी हमको सलाम नहीं आ रहा, तो ऐसे बोलती है, ऐसे तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, बैठक लगानी सही थी तुमको। नहीं अभी आपने बताया खाने के बारे में, क्या कहती है? हाँ सर ऐसे बोलते है कि हम खाने एक दिन नहीं जाते, लेट हो जाते, तो ऐसे बोलते है तुम खाना भी मत खाना, अब तो लेट हो गए तो अपने रूम में जाओ, अपनी थाली लेके ऐसे करके भेज देती है। और खाना खाते तब भी ऐसे बोलते कि पटेला की लड़कियाँ, तो पटेला भी की लड़कियाँ लड़कियाँ है ना, ज्यादा नाटक करती है और नमक के नमक से रोटी भी खाते हैं ऐसे बोलती है। यहाँ पर भी नमक कीड़े निकलते हैं खाने में तो हम फेंकते हैं, इसको बोलते हैं तुम कीड़े निकले ना, भेज दो, तुम धाप गए इसलिए तुम फेंक रहे, इसलिए फेंकने भी नहीं देती है और खाना खाते हो फेंकने भी नहीं देती है।